अटकन मटकन दही चटो कन ढूंढो बचपन कहाँ गया अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल यो बिजली सी अटकन मटकन दही चटो कन ढूंढो बचपन कहाँ गया अटकन मटकन अटकन मटकन। एक परिवार में एक से ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं अंतरा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बार तो एडवांस सैलरी मिल गई, लेकिन लेकिन क्या? उसके बदले में कटारिया मेरा ईमान मांग रहा है। तो लोन पास कर दो ना। मुझे लगता था ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्या मिस्टर वर्मा ने इस फाइल की रिपोर्ट बदल दी है? अब इसे आगे बढ़ाना आपका काम है। यस सर। थैंक यू मिस्टर वर्मा, अब आप लोग जा सकते हैं। हेलो आदित्य, आदित्य प्लीज, आदित्य क्या? सुनो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि ये जरूरी था। समीर तुम जानते हो कि ये गलत है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन कटारिया को आज फाइल देना जरूरी था। समीर तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ तू ऐसा कभी नहीं होने देता, इसलिए मैंने रिपोर्ट बदली। क्योंकि तुझे अपने स्वाभिमान अपने उसूलों के आगे कुछ नजर नहीं आता ना, वो सब जो मुझे नजर आता है। आदित्य अगर आज मैं रिपोर्ट नहीं बदलता ना तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता। समीर प्लीज। देख आदित्य, जिंदगी की सच्चाई को समझ, जिंदगी की हकीकत को समझ। इंसान को जिंदगी में कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, पर तू समझता ही नहीं इस बात को। क्या समझू हा? कि मेरे दोस्त ने मेरी पीठ पीछे मेरा ईमान बेच दिया। तुझे जो कहना है कह ले, तू कोसना चाहता है ना मुझे, कोस ले, जी भर के कोस ले। देख आदित्य, तू बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है, और मैं तहे दिल से तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज अपने स्वाभिमान अपने उसूल अपने विचारों के खातिर स्वार्थी मत बन। देख आदित्य, आज तेरी नौकरी चली जाती ना तो तू अंतरा का इलाज कभी नहीं करा पाता, और ना ही विद्या भाभी अभिषेक और उस आने वाले की परवरिश कर पाता। तुम्हें मालूम था? हाँ, विद्या भाभी ने मुझे बताया था और तुझे बताने से मना किया था। आदित्य प्लीज, विद्या भाभी ने कहा था वो खुद तुझे बताएंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। प्लीज समीर, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से। समीर प्लीज यहां से चले जाओ। हेलो आरती, शाम को जरा घर आना, जरूरी काम है। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। बस भैया रोक दो, ये लो। मेरे पास चेंज नहीं है मैडम। ऑटो वाले तुम हो, मैं कहाँ से लाऊं छुट्टा? सामने दुकान से लेके देखो ना मैडम। ये मेरा काम नहीं है, तुम जाके लेके आओ। मेरा काम नहीं है मैडम। तो मैं कहाँ से लाऊं? क्या हुआ आरती दीदी? देखो बिल्लू, इसके पास छुट्टे नहीं है। आप चिल कर लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। कितने हुए? 42 रुपए। दीदी ने कितने दिए? 50 रुपए। पूरे 40 है। 42 हुआ और 40 दे रहे हो? कितने ही है। बाबिलू, तुमने तो कमाल कर दिया। बस क्या दीदी, अभी आपने मेरा टैलेंट देखा ही नहीं है। थैंक यू सो मच, चलो बाय।
हेलो भाभी, कैसी हो आरती? अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? अंदर। भैया, अगर आज आप मुझे नहीं बुलाते ना, तो भी मैं आने वाली थी। मैंने समीर के घर फोन किया था उसकी मम्मा से बात करने के लिए। कितना गुस्से में थी वो, कहने लगी तुम्हारे भैया ने उस दिन के बाद से फोन तक नहीं किया। ऐसे होता है क्या? बैठो आरती। मुझे नहीं बैठना, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। आपको अंतरा के सिवा कुछ नहीं दिखता है। अब तुम चुप रहोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने मेरी शादी की तारीख पक्की की है या नहीं की है। नहीं। हेलो भाभी। हाय। आदित्य आ गया? हाँ, अंदर है। अच्छा हुआ आप आ गए, आरती भी आई हुई है। क्यों आया तू यहाँ? किसने बुलाया इसे यहाँ? भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य, क्या हुआ? आदित्य, I'm really sorry। मैंने जो ठीक समझा वही किया, और तू जानता है मैं हमेशा तेरा भला ही चाहता हूँ। इसीलिए तूने रिपोर्ट्स बदल दी ना, और मुझसे ये भी छुपा कर रखा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। भाभी, आदित्य विद्या भाभी ने बस बस समीर, बहुत हो गया। खूब निभाई तूने दोस्ती, अब एक पल के लिए भी मैं तुझे दोस्त की हैसियत से इस घर में नहीं रहने दूंगा। आदित्य प्लीज। समीर, अगले महीने ही मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूं अपनी बहन के साथ। डर गया था? हाँ। थैंक यू भैया। चलो मुंह खोलो। भाभी, मैं वैसे ही इतनी मोटी हो गई हूँ खा खा के। अरे खा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग लड़का पड़ तो गया तुम्हारे हाथ से। लीजिए, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाभी। भाभी, मुझ पे लाल रंग अच्छा लगेगा कि हरा? अरे शादी में तो लाल रंग की साड़ी पहननी पड़ती है ना। हाँ, पर वो तो समीर के घर से आएगी ना। मैं रिसेप्शन की बात कर रही हूँ कि कौन सा रंग पहनूं। कोई भी पहन ले, तुझ पे दोनों ही रंग अच्छे लगते हैं। सचमुच भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक होता। तुम्हारे भैया जो है। भाभी, आप अभी तक भैया से नाराज हैं? अरे अभिषेक, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग आरती बुआ। अरे ऐसे क्यों बोल रहे? अच्छा ये बताओ, तुमको पता है तुम्हारी आरती बुआ की शादी होने वाली है? किसके साथ? समीर अंकल के साथ। आपके भी अंकल होते हैं? तेरे अंकल के साथ। अच्छा अभिषेक, मुझे ये बताओ, तुम आरती बुआ की शादी में क्या ड्रेस पहनोगे? मुझे स्पाइडरमैन की ड्रेस चाहिए। शादी में तो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनेगा। मम्मी, तुमने प्रॉमिस किया था। भाभी, सोचती हूँ इसके लिए भी एक बढ़िया सा चूड़ीदार और कुर्ता बनवाऊंगी। क्यों अभिषेक? हाँ। नहीं नहीं, मुझे स्पाइडरमैन का ड्रेस चाहिए। बेटा वो भी मिलेगा, पर शादी में तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। अरे मुझे टूटू ड्रेस मिलेंगे। को भी दो दो ड्रेस मिलेंगे। ये है
मिलेंगे ये। हाँ बुआ, अंतरा को भी मिलेगा ना? हाँ बेटा, अंतरा को भी मिलेगा। चलो जाओ, जल्दी से ब्रश करो। चलो चलो। सब तय कर लिया? फिर कोई शिकायत मत करना। भैया, मैं कभी कोई शिकायत करती हूँ आपसे? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारे मन में जो भी हो बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तो हूँ नहीं कि तुम्हारे दिल की बात जान सकूँ। इसलिए अपने भैया की इतनी मदद कर दे। अरे आज माँ बाबा होते तो बहुत खुश होते। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है आरती, कि मैं तुम्हें उनकी कमी बिल्कुल महसूस ना होने दूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं। चुप चुप, वो लोग नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, विद्या है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। चलो बस, हाँ अब तुम लोग अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करो, मुझे निकलना है। भैया प्लीज, आज तो मत जा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं आरती, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, और अंतरा को थेरेपी के लिए भी ले जाना ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, और भी जिम्मेदारियां हैं आपकी। सॉरी आरती, हम शाम को चलेंगे ना? चलो बेटा, बाय विद्या। जा देख, तेरे भैया कुछ भूल गए हो। कब जाएगी इनकी ये आदत। अरे आरती, तू भी है यहाँ? चलो अच्छा हुआ, ले मुंह मीठा कर। क्या बात है, मिस्टर गुप्ता ने नई दुकान खोली है क्या? अरे छोड़ ना, वो क्या नई दुकान खोलेंगे, जो है वो उसी को ठीक से चला ले, इसी में गनीमत है। तो फिर ये मिठाई क्यों बट रही है? आज हमने नई कार ली है ना, आज ही उसकी डिलीवरी हुई है, ले। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। वैसे मॉडल पसंद नहीं आ रहा था ना, वरना तो बहुत पहले ही आ जाती। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। पर किस खुशी में? आरती की शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ही है, आदित्य भाई साहब के सिर से एक बोझ ही उतर गया। आरती, हम पर कोई बोझ नहीं है। नहीं है तो अच्छा ही है, वैसे आज का दिन है बड़ा शुभ। पहले तो हमारी नई गाड़ी आई, और अब ये खुशखबरी। कहाँ है आपकी नई गाड़ी, किधर पार्क की है? नीचे खड़ी है छांव में, अब धूप में खड़ी होगी तो रंग उड़ जाएगा ना। अरे मम्मी, आप खाना नहीं दोगी क्या? गाड़ी नीचे आई है ना। क्यों, तेरे पापा ने खाना नहीं बनाया? कैसे बनाएंगे, सवेरे से जो आपने ड्यूटी दी है ना गाड़ी धोने की। पर नई गाड़ी धोने की क्या जरूरत है? ये तो मम्मी बता सकती है। पता, मम्मी ने 5-5 बार गाड़ी धुलवाई है। चुप कर, कुछ भी बोलता है। हाय बिल्लू, तेरी गाड़ी आ गई? हाँ बेटा, आज ही आई है। मम्मी चलो ना, मुझे नई गाड़ी देखनी है। चलो चलते, चल आरती। हाँ चलिए ना, आपकी नई गाड़ी देखते हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ। चल हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये पैर लेके आओगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अतुल है, तुम्हारा नाम क्या है? अतुल, ये है अंतरा। अंतरा,
ये अतुल, ये देखो, बताओ इंतरा किधर है? किधर है अंतरा? अंतरा देखो, ये चार कार्ड्स हैं। इन्हें इन चार बॉक्सेस में उनके क्रम से लगाओ, ठीक है? अंतरा दोबारा कोशिश करो, तुम इससे अच्छा कर सकती हो। अंतरा, इन सब पीसेस को जोड़ के एक चित्र बनाओ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बताओ कौन है ये? हाँ, ये अंतरा है ना? इसमें कौन नजर आ रहा है? ये अंतरा है। कोई बात नहीं, इंतजार ही सही। कहाँ है गाड़ी आपकी? अरे उधर है ना, आइए। अरे गुप्ता जी कहाँ गए? मम्मी मुझे लगता है पापा भाग गए। कह के गए हैं कि थक गया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, तू साफ करता रह। तो साफ हुई कि नहीं? साफ तो पहली बार में ही हो गया था, अब तो रंग छुड़ा रहा। आप तो कह रही थी कि आपने नई गाड़ी खरीदी है, मगर ये तो पुरानी है। 6 महीने में इतनी महंगी गाड़ी कोई पुरानी थोड़ी हो जाती है। हम ये गाड़ी में नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाँ चलो भाभी बैठते हैं। मम्मी आप भी बैठो ना। बैठ रही हूँ। पर मिसेस गुप्ता, गाड़ी कौन चलाएगा? अरे हाँ आंटी, आपको क्या लगता है हमारे घर में किसी को गाड़ी चलाने आती है? तो फिर मम्मी को तो बिल्कुल नहीं आती। तो फिर वापस चले? क्या भाभी, आपको तो गाड़ी चलानी आती है ना, चलिए एक राउंड मार के आते हैं। क्यों मिसेस गुप्ता? हाँ हाँ विद्या, आओ ना। मम्मी गाड़ी चलाओ ना। शादी अगले महीने है ना? जी। अच्छा समीर के घर वालों को अंतरा के बारे में बताया? भले ये ना बताओ कि वो किसकी बेटी है, पर ये कैसे छिपाओगे कि वो पागल है?